नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? क्या आप कमाई नहीं कर पा रहे हैं जिम लेवल में? इसका मतलब है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप हमारे जो वीडियोज़ होते हैं उनको स्किप करते रहते हो। तो दोस्तों, वीडियो बताने से पहले, हर वीडियो से पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि हर एक प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है। एट द एंड आप पे डिपेंड, आप किस प्लेयर को सिलेक्ट करते हो। अगर हेड टू हेड या फिर स्मॉल लीग की बात करें, हम मोस्टली टीम प्रोवाइड करते हैं हेड टू हेड स्मॉल लीग के, ग्रैंड लीग के लिए नहीं। क्योंकि ग्रैंड लीग में अगर आपने जीता है ना, आपकी किस्मत होनी चाहिए तभी आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे। किस्मत नहीं तो नहीं, किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान, नहीं तो बस ठन ठन गोपाल। और एक और मेन मुद्दा है, वो है कि इंडिया में चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो अपना वोट जरूर दें, चाहे जिसको भी दें। रंग भेद भाव, अड़ोसी पड़ोसी को दूर रखते हुए एक अच्छी सरकार को लेके आए इंडिया में। तो आज हम जिस मैच के हम बात करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि इस मैच से हमारी जो राइवलरी है, आईपीएल राइवलरी, वो शुरू हो जाएगी। बदला लेने की जो सोच है, बदला लेने वाले मैच है, वो शुरू हो जाएंगे। तो अगर पिछले मैच की बात करें, तो पिछले मैच में इस आईपीएल सीजन में अगर बात करें, केकेआर वर्सेस चेन्नई का एक और मैच हो चुका था, पहले ही हो चुका है, और जिसमें चेन्नई ने हराया था। तो इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर बदला लेनी चाहेगी और इस मैच में जीतना चाहेगी। तो इन दोनों टीमों के अगर इस आईपीएल सीजन के कंपैरिजन की बात करें, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर की। तो कोलकाता नाइट राइडर अभी तक 7 मैच खेले, उसमें से 4 मैच जीती है और 3 मैचें हारी है। और वो है कोलकाता नाइट राइडर्स सेकेंड नंबर पे। वहीं चेन्नई सुपर किंग की बात करें दोस्तों, तो ये सिर्फ एक मैच हारी है, 7 मैच खेली है, 6 मैच जीती है और 1 मैच ये हारी है, जो कि मुंबई के खिलाफ जो इनका मैच हुआ था। बाकी सब मैच जीती है और ये टॉप पे है। और ये मैच होने वाला दोस्तों ईडन गार्डन्स में। अगर आपको ईडन गार्डन्स की पिच के बारे में नहीं पता, आपको बता दो कि जो चेन्नई की पिच थी, सबसे पहले चेन्नई के बता, चेन्नई की पिच स्पिनर्स के लिए फ़ायदेमंद थी, लेकिन ईडन गार्डन का उससे उल्टा है, डिफरेंट है। और अगर बात करें ईडन गार्डन के पिच की, तो इसमें ज़्यादा रन बनते हैं, 180+ तो बनते ही बनते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में बसा लेना और प्लेयर को सिलेक्ट कर लेना। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, सुबह से आपको पॉजिटिव थॉट चाहिए, हमारा जो ऐप है साइकोलॉजी ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बात करें दोस्तों विकेट कीपर की, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन। जब भी चेन्नई का किसी के साथ मैच होता है, और बात करें केकेआर को छोड़कर, क्योंकि उनके जो विकेट कीपर होते हैं वो पहले खेलने आ जाते हैं, तो मैं हर एक वीडियो में मैंने कहा कि अगर ग्रैंड लीग में अगर टीम सेलेक्ट कर रहे हो, तो MS धोनी को ग्रैंड लीग में लेना मत भूलना, मत बोलना, मत बोलना। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरी जो पुरानी वीडियो है CSK वर्सेस जो मैंने डाली हुई है, वो जाके देख लो। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो वीडियो देखते नहीं, वीडियो स्किप कर देते हैं आखिरी में, उन्हें बस कि कहाँ किस किस प्लेयर को सिलेक्ट किया, हाँ वो उसको ले लेते हैं, बस सिंपल हो गया उनका, उनको प्लेयर चाहिए, ये चाहिए, बस वही चाहिए भाई। उनके इंफॉर्मेशन कुछ लेना देना नहीं है, उनको बना बना टीम चाहिए, मिल गया ग्रैंड लीग में लगा दिया, ग्रैंड लीग नहीं जीत पाते कहते भाई टीम दी है, ग्रैंड लीग नहीं जीत, वही जो टीम प्रोवाइड की है वो बहुत से लोगों ने लगा होगा, जीत भी गए तो जो मैं घंटा मिलेगा भाई, सिंपल कहता हूँ, सीधी बात कहता हूँ। बात करते हैं, अब 2 ऑप्शन आपको हटा देता हूँ मैं, एन जगदीशन और एक और जो नाम है एन नायको, तो इनको तो हटा ही दो। अब आपके पास बचे दोस्तों 2 ऑप्शन, MS धोनी और दिनेश कार्तिक। तो MS धोनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है इस IPL सीजन में दोस्तों, लेकिन अगर इनकी बैटिंग पोजीशन की बात करें MS धोनी और दिनेश कार्तिक की, तो दोनों का जो बैटिंग पोजीशन दोस्तों सेम है, 6 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। इस कारण मैंने इस टीम में MS धोनी को अपनी टीम में सेलेक्ट किया है दिनेश कार्तिक की जगह पर। अगर बाकी जैसे किसी अगर बात करें दूसरी टीम को साथ होता, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है पोजीशन वो पहले खेलने आ जाते, तो MS धोनी का बहुत कम चांस होता है कि उनको बैटिंग मिल जाती है, कम बॉल मिलती है, तो ज़्यादा रन नहीं बनाते पाते, किस्मत की बात होती है मिलकर इनकी बैटिंग। तो इस कारण मैंने MS धोनी को सिलेक्ट किया। आप दिनेश कार्तिक करना चाहते हो, दिनेश कार्तिक को डेफिनेट अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग में आप दिनेश कार्तिक को सिलेक्ट कर लेना। तो अगर हेड टू हेड या फिर स्मॉल लीग में जो आप टीम सेलेक्ट करते हो, आपको बता दूंगा जो टिप्स है उसकी वीडियो जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आप अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं थोड़े से टिप्स के जरिए। कैप्टन जो विकेट कीपर है दोस्तों, इसमें तो आप गारंटी के समय कह सकते हो आप इसमें मार नहीं खाएंगे।
अब बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिया जो था क्रिस लिन को और अंबाई तुरैडू को। और पिछले मैच की जो मैचेस हुए इस आई पी सीजन में, तो शेन वॉटसन का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, कुछ खास बढ़िया नहीं रहा है शेन वॉटसन का। पिछले जो आई पी एल सीजन है उसमें दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज रहे थे शेन वॉटसन, लेकिन इस आई पी एल सीजन में कुछ खास नहीं रहा। क्योंकि जो चेन्नई के जो मोस्टली मैचेज हैं वो जो चेन्नई की वो चेन्नई में यानी चिपक में ही हो रहे हैं, जो स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली है, स्पिनर्स के लिए फ़ायदेमंद है। तभी शेन वॉटसन का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा है। शेन वॉटसन को दोस्तों मैं ग्रैंडली में डेफिनेटली लूँगा, क्योंकि जो ईडन गार्डन है वो बैट्समैन के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। इस कारण मैं हेड टू हेड पे तो नहीं लूँगा, लेकिन ग्रैंड लीग में जरूर लूंगा मैं शेन वॉटसन को। सुरेश रैना दोस्तों आपको खेलते हुए दिखाई देंगे सी एस के की तरफ से, तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अगर बात करें इनके जो रिकॉर्ड है अभी तक आई पी एल के, उसमें जो सबसे कम इन्होंने रन बनाए ना इतनी मैचेस में, 7 मैचेस में, वो है इसी सीज़न में बनाया दोस्तों, बाकी सीज़न में नहीं, इसी सीज़न में सबसे कम रन बनाए इन्होंने। क्रिस लिन दोस्तों केकेआर की तरफ से आपको खेलते दिखाई देंगे। पिछले मैच की बात करें तो जो ये केकेआर के जो थे उनको फ्लू हो गया था दोस्तों, फ्लू की बीमारी होगी जिनको, फ्लू की बीमारी होती है कोई ऐसी नहीं, फ्लू ही बीमारी होती है, वो हो गया था मोस्टली प्लेयर्स को, इसलिए इनको नहीं खिलाया गया था, नहीं खेले गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि रेस्ट करो भाई। इसके बाद बात करें तो अंबाई तुरैडू की दोस्तों, अगर अंबाई तुरैडू की बात करें तो पिछले जो सीज़न हुआ था उसमें शेन वॉटसन के साथ ये ओपनिंग करते थे, बहुत ही बेहतरीन इनकी कंसिस्टेंसी थी, परफॉर्मेंस था। लेकिन अगर बात की आई पी एल सीजन में, इनको पहले मैचेस में खिलाया गया, 3 से 4 मैचेस में इनको ऊपर ओपनिंग कराई गई, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, इनके जल्दी आउट हो जाते थे। लेकिन पिछले 2-3 मैचेस में दोस्तों इनको मिडल ऑर्डर में खिला रहे हैं, चौथे नंबर में दोस्तों इनको बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं, चौथे में या कभी पाँचवें में भेज रहे हैं, और इनका परफॉर्मेंस बढ़िया आ रहा है। पिछले मैच में दोस्तों 57 रन बनाए और टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान निभाया है इन्होंने। फाफ डू प्लेसिस की बात करें तो सीएसके की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, डेफिनेटली ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। पहले मैच में जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो पहले 2 मैचेस हुए थे दोस्तों उसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा था, और इन्होंने टीम को जीत की तरफ ले गए थे और जीत दिलाई थी। रविंद्र थापा दोस्तों आपको खेलते हुए दिखाई देंगे केकेआर की तरफ से, और इनकी बैटिंग पोजिशन की बात करें रविंद्र थापा की, तो ये आपको तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। नीतीश राणा भी दोस्तों आपको केकेआर की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे, और इनकी बैटिंग पोजिशन की बात करें तो नीतीश राणा चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। इन दोनों साहब दोस्तों एक प्लेयर को लेना है, दोनों को प्लेयर लेना है, यहाँ पर डिपेंड दोस्तों, क्योंकि सारे प्लेयर को तो आप अपनी टीम में ले नहीं सकते। नीतीश राणा को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया दोस्तों क्योंकि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी लेते हैं, एज ए ऑलराउंडर मैंने नीतीश राणा को अपनी टीम में सिलेक्ट किया हुआ है। कितना ज़्यादा भी दोस्तों सीएसके की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, ये 5वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं दोस्तों, इनको अपनी टीम में लेना आता तो ले सकते हैं, डेफिनेटली खेलते हुए दिखाई देंगे। सैम बिलिंग्स है दोस्तों इस मैच में खेलने मेरे को कम लग रहा है, जे डनली को दोस्तों पिछले मैच में केकेआर ने खिलाया, ओपनिंग कराई, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था इनका, तो इस मैच में तो डेफिनेटली नहीं खेलेंगे। मुरली विजय भी नहीं खेलेंगे, डी सौरभ भी इस मैच में आप खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। आर गायकवाड, रिंकू सिंह, शुभमन गिल दोस्तों अगर बात करें केकेआर की टीम की तरफ से, तो शुभमन गिल का पिछले मैच में इनसे ओपनिंग कराई और बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इनका दोस्तों, 65 इन्होंने रन बनाए ओपनिंग में। लेकिन मेरे को इस मैच की बात करें तो इस मैच में इनसे ओपनिंग नहीं कराई जाए, क्योंकि क्रिस लिन और सुनील नारायण वापस आ चुके हैं टीम में, और वो खेलते हुए डेफिनेटली आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। शिव विष्णु भी इस मैच में आप खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंड में सेलेक्ट करें डोंट डाउट एंड्रयू रसेल, एंड्रयू रसेल को जिसने नहीं लिया उसने वो तो देखता नहीं मैच का, उसको कुछ पता नहीं भाई। सुनील लाने दोस्तों खेलते हुए दिखाई देंगे, रविंद्र जडेजा भी आपको इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। सुनील लाने धीरे धीरे अपने वापस फॉर्म में वापस आ गए हैं, और रविंद्र जडेजा की बात करें तो आपको पता होगा जो पिला मैच था सियास के वर्सेस आरआर में बहुत ही ताबड़तोड़ था, और अगर आपने नहीं देखा जडेजा का 6 लेटे लेटे यानी जब मारे तो गिर गए थे, तो उसके लिए मैंने, क्योंकि अगर यूट्यूब की बात करें यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट कंटेंट होता है, इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। आईपीएल के जो वीडियो होते हैं मैचेस के, हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से कॉपीराइट आ जाता है, तो इस कारण हम अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन एक डेली मोशन दोस्तों अगर बात करें यूट्यूब की तरह ही है, उसमें मैं आपको अपलोड कर दिया मैंने वीडियोज़, उसमें आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं दोस्तों, डाल दिया है, जाके आप उसमें क्लिक कीजिए, आपका सीधा आपको मेरे जो डेली मोशन के जो चैनल है उसमें आपको ले जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। कालोस बैल्थवर को दोस्तों पिछले मैच में खिलाया गया, लेकिन इस मैच में मेरे को नहीं लगता इस मैच में खिलाएंगे। मिथिल सेंटर ने दोस्तों पिछले मैच में बहुत योगदान दिया दोस्तों, आखिरी बॉल में छक्का मारा उन्होंने, टीम को जीत दिलाई, सीएसके को जीत दिलाई, लेकिन इस मैच में खेला मेरे को नहीं लग रहा। क्योंकि अगर बात करें मिथिल सेंटर की, तो जो ईडन गार्डन के बीच स्पिनर के लिए कम फायदेमंद रहता है, इस कारण मिथिल सेंटर को खेलना बहुत मुश्किल है।
बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बॉलिंग में मैंने सिलेक्ट तो इमरान ताहिर को, दीपक चहर को दोस्तों, साधु ठाकुर भी इस मैच में खेलते हुए दिखाते हैं, हरभजन सिंह का तो खेलना दोस्तों बहुत मुश्किल है। पीयूष चावला दोस्तों अगर बात करें, पीयूष चावला अगर दो ऑप्शन है, पीयूष चावला और कुलदीप यादव। पीयूष चावला दोस्तों एक्सपीरियंस बल्लेबाज, एक्सपीरियंस बॉलर है, स्पिनर, और कुलदीप यादव दोस्तों यंगस्टर टैलेंटेड स्पिनर है। तो इन दोनों से अगर बात करें जिसको मैं सजेस्ट करूँगा, तो अगर पीयूष चावला को अपनी टीम में सिलेक्ट कर लेना, लेकिन पीयूष चावला का खेलना थोड़ा मुश्किल है। कुलदीप यादव दोस्तों खेलते हुए डेफिनेटली इस मैच में दिखाई देंगे, कुलदीप यादव का थोड़ा कुलदीप यादव खेलते हुए आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे, पीयूष चावला का थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैंने दोनों को अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं किया। ग्रैंडिंग में दोस्तों जरूर करूँगा मैं, ग्रैंडिंग में दोस्तों कुलदीप यादव को अपनी टीम में सिलेक्ट करूँगा। ऐसे गुन दोस्तों केकेआर की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, लोकी फर्गुसन का दोस्तों इस मैच खेलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अगर आप नहीं लगते हैं एच गुनर को, इसके अलावा आप कुलदीप यादव की अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। करण शर्मा नहीं खेलेंगे दोस्तों, मोहित शर्मा दोस्तों अगर बात करें, मोहित शर्मा मेरे को लगता है दोस्तों मोहित शर्मा को इस मैच में खिला सकती है सीएसके की टीम। मनु कुमार दोस्तों नहीं खेलेंगे, और स्कॉट कंगलिनन का भी इस मैच में खेलना दोस्तों मेरे को लग रहा है तय है इन प्लेस ऑफ, अगर आपको पता नहीं आपको बता दो, स्टॉक कंगलिनन आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। के आसिफ भी दोस्तों नहीं खेलेंगे, ऐसे मुंडे में नहीं खेलेंगे, के एस वरियर, के करिप्पा इस मैच में नहीं खेलेंगे। तो प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, के की तरफ से खेलते दोस्तों, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कुछ खास बढ़िया नहीं रहा है, तो इनको खिला भी सकते दोस्तों, पिछले मैच में खिलाया गया, इन्होंने एक विकेट भी लिया, तो इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं पी कृष्णा। एम कैली भी दोस्तों खेलेंगे, पृथ्वीराज इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन मैंने सेलेक्ट किया नो डाउट दोस्तों एंड्रयू रसेल को, वाइस कैप्टन मैंने सेलेक्ट किया तो फाबियो प्लेसिस को। इसके अलावा चेंज कर सकते हो, आपके पास अम्बेतु राइडू है, क्रिसलिन को भी बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। अब हमारे पास हो तो एम एस धोनी हो गए, नीतीश राणा हो गए, अम्बेतु राइडू हो गए, क्रिसलिन हो गए, फाबियो प्लेसिस हो गए, एंड्रयू रसेल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, सुनील नरेन हो गए, दीपक चहर हो गए दोस्तों, इमरान ताहिर हो गए, और कुलदीप यादव हो गए। तो अब तो आप टॉस के बाद ही प्लेयर को चेंज कर सकते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा मोस्टली पेसर्स को इस मैच में लेना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको सी सी प्लस प्लस एंड्रॉयड से रिलेटेड, इथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो हमारे दूसरा चैनल गैंग्स ऑफ कोडर को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है। और आपको वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इनसे रिलेटेड, तो हमारा एक और चैनल SP डिजाइनर्स, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैचेस, और वोट डालना ना भूलें। थैंक यू सो मच।